काम बहुत अच्छा हुआ है, कल से आपको भी बोल रहा था, तो आपने बहुत टाइम भी दिया, थैंक यू सो मच। और काम भी बहुत अच्छा किया, जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था उससे भी अच्छा काम किया। मैं भारत सोनी आपका होस्ट इस समय, और पेगासस प्रीमियम की इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। यहाँ पर देखेंगे लद्दाख से स्पेशल कार आई इनोवा क्रिस्टा। कस्टमर ने कॉल किया, फ्लोट को बुक किया, क्योंकि बिकॉज 7-8 दिन लगते हैं कस्टमाइज इंटीरियर में। बाहर से जो काम हुआ है आपके सामने है, ग्रिल्स का, लाइटिंग का, फॉग लैंप का, बट जो अंदर से वर्क हुआ है दोस्तों, इंटीरियर मॉडिफिकेशन इस इनोवा क्रिस्टा का, वो बिल्कुल आपको डिफरेंट मिलेगा। मैं कहता हूँ फर्स्ट टाइम इन इंडिया आपको देखने को कलर मिलेगा, कलर बहुत प्रीटी है। ज्यादा समय नहीं लूंगा आपका, चलते हैं कार की तरफ, देखते हैं क्या क्या हुआ है, कितने एक्सपेंडिचर में हुआ है, और आप भी अपनी किसी भी कार को उस तरीके से इंटीरियर मॉडिफिकेशन करा सकते हैं, सुंदर बना सकते हैं। तो चलिए चलते हैं, तो इनोवा क्रिस्टा को ओपन करने वाला हूँ, द मोस्ट रनिंग एसयूवी ऑफ टोयोटा। ये रही आपके सामने, ये देखिए एकदम ब्राइट इंटीरियर है, मतलब कलर मेरे को पर्सनली जबरदस्त, देखो आपको भी बहुत अच्छा लग रहा होगा जो कलर की ग्रेस आ रही है। देखिए थोड़ा सा अलग सा कलर है, डिफरेंट कलर है, और साथ में मैं छोटी छोटी चीजों की डिटेल में आऊंगा, इसलिए वीडियो आप पूरी देखिएगा ताकि आपको जानकारी सही मिल सके। तो देखिए सबसे पहले कस्टमर ने, उन्होंने कलर, ये जो उनके पास 3-4 ऑप्शन थे, टैन कलर था, एक ग्रीन कलर था, बट ये कलर उनको क्लिक करा, थोड़ा सा सोबर कलर है और लग्जरी कलर लग रहा है अंदर से, आप देख सकते हैं इस समय। और बताता हूँ डिटेल में, इस कलर के साथ जो हमने जो देख रहे हैं मार्बल थीम में ब्लैक दिया गया है, ब्लैक एंड व्हाइट का जो कॉम्बिनेशन दिया गया तो वो इसके अंदर अल्टीमेट लग रहा है। तो यहाँ पर डिटेलिंग में बात करेंगे, तो ये देखेंगे साइड्स के डोर में सेम, ये जितना भी प्लास्टिक पार्ट है ये सारा हमने हाइड्रो डिप किया है। यहाँ पर कार मार्बल थीम डाल दी, मार्बल थीम में ब्लैक और थोड़ा सा व्हाइट टचअप दे दिया, तो ये जो ग्लोसी लग रहा है अच्छा है। ये बहुत बड़ा पीस है, देखिए एक पीस ये हो गया, एक पीस ये हो गया, और अंदर का एक पार्ट है ये वाला, ये भी यहाँ पर कर दिया। और यहाँ हमने प्यानो ब्लैक दे दिया, ये भी प्लेन आता है इसमें, मतलब इस मॉडल में प्लेन आता था, यहाँ हमने प्यानो ब्लैक के साथ यहाँ पूरा वो दे दिया। एक चीज और दिखा देता हूँ, अभी देख ही लीजिए साथ साथ, यहाँ पर लगी है एम्बिएंट लाइट, और एम्बिएंट लाइट इस समय जो डोर्स में है आपको दिख रही है, अभी ब्लू कलर की है, आप अपनी स्वेच्छा से अपने हिसाब से किसी भी कलर की कर सकते हैं। तो अभी ये देखिए, ये टोटल जो ऑल ओवर व्यू दिख रहा है आपको, ये सारा ब्लू अभी लगी हुई है, कलर चेंज हो जाएंगे। और डैशबोर्ड पे आते हैं, तो डैशबोर्ड का देखेंगे, लोअर जो पार्ट है वो टोटल यहाँ पर देखेंगे इस कलर के अंदर दिया गया है। और ये देखिए स्टीयरिंग, तो स्टीयरिंग भी यहाँ पर जो है सेम लेदराइट में जो सीट कवर में यूज किया गया है वो डाला है। जो लुक है स्टीयरिंग की पर्सनली बहुत अच्छी लग रही है, क्योंकि स्टीयरिंग पूरा ओईएम फिटिंग में है, जैसा कि आप देख रहे हैं इस समय, पूरी स्पोक टू स्पोक कवर है, हॉर्न हब है जो इसका, वो भी हमने सेम मैच कर दिया है सीट्स कवर से और इंटीरियर से, ताकि ये ग्लो जो लुक है वो बनी रहे। यहाँ पर चलेंगे इसके डैशबोर्ड के इंटीरियर पार्ट में, यहाँ पर देखिए कंप्लीट डैशबोर्ड में जो ये वाला पीस है और ये वाला पीस है, और जो स्टीरियो का जो पैनल है ये हमने कर दिया है सेम ब्लैक मार्बल जो सेम डोर्स में है। इसकी देखेंगे यहाँ पर एम्बिएंट लाइट काफी अच्छी लग रही है, खासकर इनोवा क्रिस्टा और एक्सयूवी 700 में जो लगती है काफी लेंथी लग जाती है, इस वजह से इसका गेटअप है जो अच्छा आता है। यहाँ देखेंगे कंसोल में, तो कंसोल में भी क्या, ये पूरा देखेंगे, पूरा का पूरा जो कंसोल है ये यहाँ पर देखेंगे मार्बल फिनिश में कर दिया गया है, ब्लैक के साथ सेम लेदराइट में यहाँ कर दिया गया, जो इसकी जो गियर की इसकी नोब है वो यहाँ पर लेदर रैप कर दी गई है स्टिचिंग के साथ, स्टिचिंग देखिए यही कलर दिया है। सीट्स कवर में यहाँ देखेंगे तो आप सीट्स कवर अभी जो लगे हुए हैं, फिटिंग आपके सामने है, फिनिशिंग क्वालिटी देखेंगे, यहाँ डबल स्टिचिंग के अंदर थ्रेड लगे हुए हैं, लेदर राइट की आप जब क्वालिटी देखेंगे तो आपको प्रीमियम जो एकनेस है वो यहाँ पर साफ झलक रही होगी इस सीट्स कवर में, कहीं कहीं से आपको रिंकल नहीं मिलेगा, कहीं से इसमें कोई ऐसी सिलवटें नहीं मिलेंगी। और जो फिनिशिंग और जो थ्रेड की जो क्वालिटी है ये देखिए, मैं आपको थोड़ा सा महीन दिखाता हूँ, ये देखिए डबल स्टिचिंग इफेक्ट है, तो एक ओरिजिनल टाइप फील आनी चाहिए। तो यहाँ पर आप सीटिंग देख के समझ गए होंगे जो गेटअप आ रहा है वो जबरदस्त, ये देखिए पूरा जो है यहाँ पर हेडरेस में भी देखेंगे डबल स्टिचिंग इफेक्ट है, फ्रंट की सीट देख ली, बीच में देखेंगे क्रिस क्रॉस डिजाइन है, तो डिजाइन अपने आप में बहुत प्यारा लग रहा है। एक्चुअली स्टिचिंग बाहर कहीं नहीं दिखेगी आपको, सारी स्टिचिंग इंटरनल प्रोसेस में है, तो इस वजह से इसमें क्विल्टिंग जो डिजाइन है वो आपको इसमें दिख रहा होगा, बाकी कुछ नहीं। और ये रहा पीछे का जो रियर सीट्स है उसका गेटअप, सेम जो साइड्स के फ्रंट के डोर में है, सेम जो रियर के डोर्स हैं ये वाले, इसमें ये जो मार्बल थीम है
ब्लैक कलर में वापोटोन कर दी गई है, सेम चीज बिल्कुल डिट्टो। आपके सामने देखिए अभी लुक आ रही होगी निकल के, जो कार की आ रही है वो बहुत फैंटास्टिक है। आपको दोस्तों कैसी लग रही है? पेगासस प्रीमियम प्रयास कर रहा है कि आपको आपकी कार के लिए जो इंटीरियर है, जो एसेसरीज है और मॉडिफिकेशन है उसमें वो काफी हद तक ले जाए। ये डिटेलिंग में देखेंगे तो यहाँ पर भी ब्लैक कर दिया गया है और जो रूफ है वो ब्लैक, तो ये जो कलर कॉम्बिनेशन है वो बहुत जबरदस्त लगा है। पीछे देखेंगे तो पीछे भी यहाँ पर 7D मैट का जो लगा है यहाँ पर ये कलर कर दिया गया है, तो अच्छा है। प्रीमियम क्वालिटी के 7D मैट यहाँ पर लग चुके हैं और यहाँ पर इसी कलर से जो इसकी पाइपिंग है वो इसी कलर से लगा दी गई है। और ये लीजिए तो एम्बिएंट लाइट का मैं एक बार ही आपको बता देता हूँ, इसमें 10-12 कलर्स होते हैं जो आप अपने हिसाब से इसको कन्वर्ट कर सकते हैं ऑल ओवर। अब आते हैं इसकी प्राइसिंग को लेके दोस्तों, तो प्राइसिंग टोटल जो इस कार के अंदर लगी है नियर अबाउट 95,000 का एस्टीमेट आया है इसके अंदर। और आप देख सकते हैं जो फ्रंट की ग्रिल को मिलाकर और ये जो लुक है टोटल, जिसके अंदर आपका पूरा कंप्लीट डैशबोर्ड मॉडिफाई हुआ है, स्टीयरिंग आपका फॉर्चूनर लेजेंडर का कन्वर्ट हुआ है, साइड्स के डोर आपके कस्टमाइज फुल कस्टमाइज हुए हैं, इसको प्रॉपर कस्टमाइजेशन बोलते हैं। ये सिर्फ ये पीस नहीं है, हालांकि आप इनोवा क्रिस्टा में इस पीस को लेवराइट करा सकते हैं, बट यहाँ पर जो है आप देख रहे हैं फुल्ली मॉडिफाइज जो डोर्स हैं वो कर दिए गए हैं। सेंटर कंसोल देखेंगे यहाँ पर टोटल कस्टमाइज हुआ है, सीटिंग आपके सामने है, टोटल बकेट फिटिंग है, कस्टमाइज फिटिंग है और A1 क्लियर है। ये लाइटिंग भी देखिए हमने यहाँ इंस्टॉल करा दी गई है टोटल। फाइनली ये कार अब लद्दाख के लिए जाने के लिए तैयार है। हमारे पास 4-5 दिन रही, 4-5 दिन में हमने इसका टोटल जो मॉडिफिकेशन है वो कर दिया है। और भी कार इस समय प्रोसेस रनिंग पे लगी हुई है, तो लगातार आपको वीडियो देखते रहने को मिलेगी। आप भी अपनी कार्स के लिए कुछ ना कुछ जानकारी आपको मिलती रहेगी, तो आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी चलते हैं एक बार आपका कस्टमर से रूबरू कराते हैं और उन्हें बताते हैं कैसा उनको वर्क लगा है। सो जो कार के ऑनर हैं वो लद्दाख से आए थे, अभी हम उनके साथ ही खड़े हुए हैं और अपना परिचय देंगे और साथ में बताएंगे इनको जो पेगासस प्रीमियम का वर्क है, जो अभी कार आपके सामने आपने पूरी वीडियो देखी है कैसी लगी बताइए सर। पेगासस प्रीमियम को मैं काफ़ी साल से फॉलो कर रहा हूँ जी, तो फाइनली आज यहाँ पे आया तो काम बहुत अच्छा हुआ है, जितना मैं एक्सपेक्ट कर रहा था उससे भी अच्छा हुआ है जी। तो हमारे पास टाइम भी कम था तो हमें आपको आपने बहुत कम समय में बहुत अच्छा गाड़ी बनाया बिल्कुल। तो इवन क्या है कि अभी सीजन भी ऑफ है तो वहाँ पर रोड भी बंद हो चुका हो रहा है, तो आपको पता है इस वजह से हमें थोड़ा जल्दी करना पड़ा जी। फिर भी आपने अपना बहुत अच्छा समय दे के बहुत अच्छा बनाया, अच्छा है। और देखिए लद्दाख से सर आए हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है, समय भी सही कह रहे हैं ये, क्योंकि लद्दाख में मेरे को माना मेरे पास जम्मू कश्मीर श्रीनगर से बहुत आती हैं, रास्ते बंद हो गए तो ब्लॉक हो जाते हैं जी। अभी तो देखिए लेह वहाँ पे बर्फबारी हो रहा है तो जी, इसलिए कल से आपको भी बोल रहा था, तो आपने बहुत टाइम भी दिया, थैंक यू सो मच। और काम भी बहुत अच्छा किया है, जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था उससे भी अच्छा काम किया है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए ये कितना मोटिवेशन मिलता है कि हम अपने लिमिटेड समय में अपना जितना भी बेस्ट दे सकें वो देने की कोशिश करते हैं। कस्टमर का सपोर्ट है, उनके टाइम का, उनकी वैल्यू का, और वो जो सोच के आते हैं अगर वो हमने डिलीवर कर दिया तो हमारे लिए ये सबसे बड़ी विन है। तो सर का बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। और आपको ऐसी और वीडियो देखनी है तो आप चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिए, आप लाइक कर दीजिए इस वीडियो को और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि जितने भी कार लवर्स हैं वो इस इनोवा क्रिस्टा को देखें और इस पर जरूर कुछ ना कुछ अपना कमेंट दें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।